क्या आप कैरियर का एसी लेना चाहते हो जो कम बिजली खाए और कूलिंग भी अच्छी करे, लेकिन 5000 वॉट से ऊपर वाला मॉडल मिल ही नहीं रहा? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे दो मॉडल्स जिनकी कूलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और पावर एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कौन से हैं वो मॉडल्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। अगर आप 2024 में कोई कैरियर का एसी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में जो कैरियर ने 2024 में लॉन्च किए हैं, और उनकी कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और फीचर्स भी सारे आपको मिलेंगे जो कैरियर के लेटेस्ट एसीज में कैरियर ने 2024 की सीरीज में डाले हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैरियर का कोई वन टन कैटेगरी में एसी लेना चाहते हो तो कोई भी एसी आंख बंद करके ले लीजिए, कोई भी वन टन का एसी इनका सेम ही आपको कूलिंग देगा, और उसमें मॉडल टू मॉडल थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप कूलिंग को देखते हुए एसी लेना चाहते हैं तो आप इनका कोई भी वन टन का एसी ले सकते हैं, बहुत अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी। अब बात करें दो टन, दो टन में मैं आपको कोई भी एसी रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कैरियर का, क्योंकि दो टन में मैंने इनके जितने भी मॉडल्स देखे हैं उन सभी की कूलिंग कैपेसिटी काफी कम है, यानी कि ट्रू कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में दो टन का एसी में कैरियर ब्रांड का आपको कोई रेकमेंड नहीं करने वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.5 टन कैटेगरी के एसी की, जो बेस्ट कूलिंग आपको देगा और फीचर्स भी आपको सारे मिलेंगे, और मॉडल भी लेटेस्ट बताने वाला हूं, ताकि आप अगर कैरियर का कोई एसी लें तो आपको अच्छी कूलिंग मिले, पावर एफिशिएंसी अच्छी मिले, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिले, ताकि आप एक बार पैसे खर्च करें तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। डेटन एसीज की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आज मैं आपको दो ऐसे एसी बताने वाला हूं कैरियर के जिनमें से आप कोई भी ले सकते हो। पहला एसी है जो वाईफाई के साथ कनेक्ट कर पाओगे आप, यानी कि स्मार्ट एसी है, जिसका मॉडल नंबर है इंडस EXI। ये 1.5 टन कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर एसी है, जिसकी आईसी वैल्यू 5.10 के आसपास आपको मिलने वाली है। दूसरा एसी है वो नॉन स्मार्ट है, उसका नाम है एक्सट्रीम एज या फिर लूमो। अगर आप एज मॉडल लेते हो तो वो नॉर्मल एसी की तरह ही दिखेगा, अगर आप ल्यूमो मॉडल ले लेते हो तो वहां पर आपको इसके फ्रंट पैनल के ऊपर एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। ये दोनों में ये फर्क है, सीरीज एक ही, एक्सट्रीम के नाम से सीरीज आई है 2024 में, जिसमें आपको एलईडी वाला मॉडल भी मिल जाएगा और बिना एलईडी वाला भी। लेकिन एक्सट्रीम सीरीज में जो एसी आपको मिलते हैं वो नॉन स्मार्ट एसी हैं, उनको आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये भी 1.5 टन का एसी है जो 5 स्टार रेटिंग में आता है, और इसका भी आईसी वैल्यू आपको सेम 5.1 के आसपास मिलने वाला है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें दोनों ही एसीज की, तो बिल्कुल सिमिलर कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। इंडस वाले की जो कूलिंग कैपेसिटी है एट 100% वो है 5230 वॉट की, यानी कि 5230 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, जबकि एक्सट्रीम एज या फिर लूमो कोई भी मॉडल आप ले लीजिए, दोनों के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5200 वॉट की, यानी सिर्फ 30 वॉट का फर्क है। इसमें कोई भी चेंजेस आपको पता भी नहीं लगेगा, यानी कि बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी है दोनों ही मॉडल्स की, और काफी नियर है ट्रू कैपेसिटी के ये दोनों मॉडल्स। और बात करें एक्सपेंडेबल कूलिंग की, तो ये दोनों ही मॉडल्स एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं, और अपनी कूलिंग को ये 5900 वॉट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका ये 1.5 टन का एसी 1.68 टन तक जाकर काम कर सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन एसी हैं ये दोनों, और कूलिंग भी जबरदस्त करते हैं। एक्सट्रीम और इंडस मॉडल के अंदर काफी चीजें सेम है, जिसमें से कुछ तो मैं आपको बता चुका हूं, बाकी की अब बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ आपस में डिफरेंसेस भी हैं, कुछ चीजें एक्सट्रीम वाले मॉडल में कम है, कुछ इंडस वाले मॉडल में ज्यादा हैं। और दोस्तों, यहां पर एक बात और बता दूं मैं कि इंडस का ये वो मॉडल नहीं है जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट है। जो मॉडल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं ये अमेजोन के ऊपर अभी तक लिस्ट नहीं है, तो अगर आपको ये मॉडल लेना है तो हो सकता है आपको बाजार में जाना पड़े, या फिर आप कैरियर की साइड से भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि आप बाजार में जाकर इस मॉडल को ढूंढिए। प्राइस की भी बात करेंगे इस वीडियो में, पहले हम कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो दोनों ही एसीज में आपको मिलने वाले हैं।
इन दोनों ही एसीज में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी की कूलिंग को कम भी कर सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेंडेबल कूलिंग को दोनों ही एसी सपोर्ट करते हैं। तो आप इसका एक्सपेंडेबल मोड यूज कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए ही आप इसका एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड यूज कर पाएंगे। इन दोनों ही एसीज में रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर का यूज किया गया है, जिसकी एम्बियंट वर्किंग टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, जो नामी गिरामी ब्रांड है, उनमें भी आपको मैक्सिमम 52 या 54 डिग्री सेल्सियस तक ही एम्बियंट वर्किंग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लेकिन कैरियर के इन एसीज में 55 डिग्री सेल्सियस का एम्बियंट वर्किंग टेम्परेचर आपको मिलेगा। यानी कि बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में भी इनके एसी अच्छे से काम करते रहते हैं, और उसकी वजह है इनका आउटडोर यूनिट का पेटेंटेड डिजाइन। इनके आउटडोर यूनिट में एक वेंट है, जहां पे कंप्रेसर लगा होता है वहां पर एक वेंट दिया गया है, जिससे कंप्रेसर कूल होता रहता है, वहां से बाहर की हवा अंदर जाती रहती है और कंप्रेसर की हीट बाहर निकलती रहती है, जिससे कंप्रेसर ज्यादा गर्मी में भी अच्छे से काम करता रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो भी कैरियर के ये दोनों मॉडल्स बहुत अच्छे से आपके रूम को कूल करते रहेंगे। कैरियर के इन दोनों ही एसीज में आपको 100% कॉपर के कॉइल्स देखने को मिलेंगे, इंडोर में भी और आउटडोर में भी, और उनके ऊपर एंटी कोरोसिव कोटिंग भी की गई है, फिन्स के ऊपर भी और इनके यू बेंड्स के ऊपर भी। एंटी कोरोसिव कोटिंग होने से कॉइल की लाइफ बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक एंटी कोरोसिव बने रहते हैं। उसके बाद बात करें इनके स्पेशल फीचर्स की, तो यहां पर आपको सेल्फ डायग्नोसिस का सपोर्ट मिल जाएगा, मैजिक डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसको हिडन डिस्प्ले भी आप कह सकते हो, यानी कि इंडोर के ऊपर जो डिस्प्ले होता है उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एसी के अंदर गैस लीक हो जाए या गैस कम हो जाए तो भी आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है, और रिमोट के अंदर आपको बैकलाइट भी मिल जाएगी। तो यानी कि सारे फीचर्स आपको इन दोनों एसीज में मिलते ही मिलते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो इंडस वाले मॉडल में और एक्सट्रीम वाले मॉडल में एचडी फिल्टर ही लगाया गया है, लेकिन इंडस वाले एसी में आपको मिलेगा एंटीवायरल कोटिंग के साथ फिल्टर, और दूसरे में आपको PM2.5 फिल्टर के साथ मिलेगा एयर फिल्टर। तो ऐसे में अगर हम मोटी मोटी बात करें तो दोनों के फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छे हैं, आपके रूम में अच्छे से एयर को फिल्टर करेंगे और आपको हेल्दी एयर प्रोवाइड करेंगे। ये तो रहे इसके सारे फीचर्स, और स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशंस भी आपको इन एसीज में देखने को मिलेगा, जिसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज रहेगी 135 वोल्ट से 280 वोल्ट तक, जो कि अगर मैं बाकी ब्रांड से कंपेयर करूं तो थोड़ी सी कम है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हो कि मैं हमेशा से आपको सजेस्ट करता आया हूं कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए अपने एसी के साथ, तो ऐसे में आप इसके साथ भी जरूर लगाइए। अब थोड़ी बहुत कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं हमें, अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेंगे अपने एसी के साथ। उससे एक तो वोल्टेज जो है वो कंट्रोल में रहता है, दूसरा हमारे एसी के जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फीचर्स के बाद अब बात करते हैं वारंटी की। तो कैरियर के जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर एसी हैं, स्पेशली 5-स्टार इन्वर्टर एसी, उनके साथ आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 10 ईयर्स की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिलती है, और 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है इनके पीसीबी के ऊपर, जिसमें आउटडोर की और इंडोर की पीसीबी शामिल होती है। तो यानी कि इन दोनों ही एसीज में भी आपको वारंटी सेम मिलने वाली है। तो यहां तक तो हमने बात करी है जो इन दोनों एसीज में सेम चीजें हैं उनकी। अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है इन दोनों ही मॉडल्स में। इंडस वाला जो मॉडल है, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये एक स्मार्ट एसी है, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप इनकी मोबाइल ऐप से इस एसी को पूरी तरह से ऑपरेट या फिर कंट्रोल कर सकते हो, उसमें इसका पावर कंजम्पशन देख सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो, यानी जितने भी ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं एसी को कंट्रोल करने के लिए वो सारे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद गूगल या अलेक्सा से वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और इसमें एक खास बात है और वो ये कि इसके इंडोर यूनिट के ऊपर आपको एसी कितनी बिजली खा रहा है वो भी दिखाया जाएगा, जबकि ये सारे जो फीचर हैं ये एक्सट्रीम वाले मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे, एक्सट्रीम एज में भी नहीं मिलेंगे और ल्यूमो में भी नहीं मिलेंगे, यानी एलईडी वाले में भी नहीं और बिना एलईडी वाले में नहीं। डिफरेंसेस के बाद अब बात करते हैं कॉन्स की, आफ्टर सेल सर्विस की और इनके प्राइस की। दोस्तों, कॉन्स में मुझे सिर्फ एक ही कॉन मिला और वो ये कि इन दोनों ही मॉडल्स के अंदर 4-वे कूलिंग नहीं है, यानी कि 4-वे स्विंग का फीचर मिसिंग है। अब ये चीज किसी के लिए कॉन हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, बट मुझे ऐसा लगा कि इन प्रीमियम एसीज में 4-वे स्विंग का फीचर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये 5-स्टार एसी है, बहुत अच्छी कूलिंग है इनकी, यानी कि फीचर वगैरह सब कुछ है, प्रीमियम मॉडल्स हैं ये, इनके अंदर
फोर वे कूलिंग देना चाहिए था। अब बात करते हैं इनके आफ्टर सेल सर्विस की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी ब्रांड का हम एसी अगर ले रहे हैं तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप कैरियर का कोई एसी लेते हो तो आपको उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकता। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस दोस्तों यहां पर इंडस वाले का और एक्सट्रीम वाले का 2 से 3 हजार रुपए का फर्क है। हालांकि प्राइस रेंज अलग अलग आपको मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉडल अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं है। हो सकता है एक्सट्रीम वाला मॉडल अभी एक दो दिन में लिस्ट हो जाए, तो उसका मैं लिंक आपको जरूर अपडेट कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इंडस का जो ये मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ EXI वाला, क्योंकि अमेजोन के ऊपर अभी जो मॉडल लिस्ट है वो अलग मॉडल है, उससे इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो ये जो मॉडल है इंडस वाला, ये लगभग आपको 44 से 46, 47 तक भी लोग बाजार के अंदर इसके पैसे मांग रहे हैं, और एक्सट्रीम वाले की भी यही कहानी है। लेकिन फिर भी एक्सट्रीम वाला हमने पता किया है जो बाजार में 44 या 45 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा बिना एलईडी वाला। एलईडी वाला मॉडल 1-2 हजार महंगा आपको मिलेगा, हालांकि परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस सब बिल्कुल सेम है, कूलिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ एलईडी का एक फीचर उसमें ज्यादा है। अब यहां पर भी एक छोटा सा कॉन मुझे लगा जो कंपनी को ऐड कर देना चाहिए था। अब कंपनी एलईडी लगा ही रही थी तो उसको यूवी लाइट लगा देनी चाहिए थी ताकि एयर फिल्ट्रेशन और अच्छा हो जाता। अब बाहर की तरफ एलईडी लगाने का क्या जरूरत था, अंदर की तरफ लगाती तो उससे एक फीचर ऐड हो जाता एसी के अंदर। बहरहाल कंपनी है, कुछ सोच के ही लगाया होगा। लुक और डिजाइन को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल डिजाइनर एसी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गए हैं। जैसे एलजी की भी हमने वीडियो बनाई थी, लॉयड की भी हमने वीडियो बनाई थी, तो ऐसे में कैरियर भी पीछे क्यों रहेगा। इन्होंने भी एक एलईडी वाला एसी लॉन्च कर दिया जो दिखने में नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें दो मॉडल आपको मिलेंगे, एक्सएल वाला भी मिलता है, एक एक्सट्रीम वाला मिलता है। तो यहां पर मैंने एक्सट्रीम वाला आपको रेकमेंड किया है और एक इंडस वाला रेकमेंड किया है। एक्सएल वाला मॉडल मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की है और इनसे वो मॉडल कम ही कूलिंग करेगा, छोटे कमरे में ही आप उसको लगा सकते हो, तो ऐसे में इस वीडियो में उसको इंक्लूड मैंने नहीं किया है। हालांकि एक्सएल की वीडियो आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और यहां पर बस एक बात आपको जरूर बता दूं कि एक्सएल जो सीरीज है इनकी, उनमें भी आपको एलईडी वाला मॉडल मिल जाता है और बिना एलईडी वाला भी मिल जाता है। और वो जो सीरीज है वो स्मार्ट एसीज की सीरीज है, उसमें आप वाईफाई वगैरह का जो फीचर है वो यूज कर सकते हो। सो बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इंडस का EXI मॉडल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, 5-स्टार रेटिंग में आएगा 1.5 टन कैटेगरी में। और एक्सट्रीम का एज या फिर लूमो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वो भी 5-स्टार रेटिंग में आएगा 1.5 टन कैटेगरी में। हालांकि इसमें आपको 1 टन का ऑप्शन भी मिलेगा, 2 टन का भी मिलेगा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1 टन का आप कोई भी एसी ले सकते हो, इनमें से मत लो, और भी किसी सीरीज का हो उसमें से भी ले सकते हो। लेकिन 2 टन का मैं कोई एसी रेकमेंड नहीं करता कैरियर का, क्योंकि वो अंडररेटेड है, कूलिंग उनकी उतनी नहीं है जो प्रॉपर 2 टन के आसपास जाए। लेकिन 1.5 टन का अगर आप एसी लेना चाहते हो तो इन दोनों मॉडल्स में से कोई भी ले सकते हो, बहुत बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इन दोनों ही मॉडल से। तो इस वीडियो में इन मॉडल्स के बारे में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो उन वीडियोज को भी जरूर देखिए और आपकी नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।